Hi, this is Kushank और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे concept of tax planning कि tax planning क्या होता है। अब देखिए कोई भी honest से honest person होगा जो कि मेहनत करके income earn कर रहा है, वो अपनी income को किसी ऐसे person के हाथ में नहीं जाने देगा जो जिसने उसके लिए मेहनत नहीं करी। तो चाहे honest से honest person जो होगा वो tax देना नहीं चाहता। तो अगर एक honest person है उसको tax देना पड़ेगा क्योंकि हमारी statutory liability है, तो वो टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन वो ये चाहेगा कि उसको मिनिमम से मिनिमम टैक्स देना पड़े। लेकिन जो टैक्स कलेक्टर होगा वो ये चाहेगा कि उसको ज्यादा से ज्यादा टैक्स मिले। तो ये जो दोनों चीजें हैं कि उसको कम से कम टैक्स देना पड़े और उसको ज्यादा से ज्यादा टैक्स मिले कलेक्टर को, तो इसके बीच में एक टर्म आती है टैक्स प्लानिंग। इन दोनों चीजों की वजह से एक टर्म आती है टैक्स प्लानिंग। तो हम वो देखेंगे टैक्स प्लानिंग क्या होता है। टैक्स प्लानिंग जो होता है, इसके अंदर जो टैक्स पेयर होता है वो जो हमारे प्रोविजंस हैं टैक्स के, उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट उठा के कम टैक्स देना चाहता है। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से तरीके होते हैं जिसकी वजह से उसको कम टैक्स देना पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी मिनिमाइजेशन ऑफ टैक्स होती है, किस किस तरीके से वो मिनिमाइजेशन ऑफ टैक्स कर सकता है। तो इसके लिए या तो वो टैक्स इवेजन करता है, या टैक्स अवॉइडेंस करता है, या टैक्स प्लानिंग करता है। जो टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस है, ये दोनों तरीके गलत तरीके हैं, ये फॉलो नहीं करने होते। लेकिन हम देखते हैं कि टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन और टैक्स प्लानिंग में होता क्या है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स प्लानिंग में क्या होता है। तो जो टैक्स इवेजन होता है, टैक्स इवेजन के अंदर जो टैक्स पेयर होता है वो इवेड करता है टैक्स को बाय डिसऑनेस्ट मींस, मतलब कि अनलॉफुल इलीगल तरीके से वो टैक्स की चोरी करता है। टैक्स इवेजन मतलब टैक्स की चोरी करना। इसके लिए चार तरीके होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है कंसीलमेंट ऑफ इनकम, मतलब कि इनकम को ना दिखाना। फिर होता है इन्फ्लेशन ऑफ एक्सपेंसेस, कि अपने एक्सपेंसेस को इन्फ्लेट कर देना, बढ़ा के दिखाना ताकि जो इनकम है वो कम आए। फिर तीसरा होता है फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स के अंदर गलत चीज़ें दिखाना। और फोर्थ होता है कॉन्शियस वायलेशन ऑफ रूल्स, की कॉन्शियस मतलब जो चीज़ पता है उस पता होने के बावजूद उन रूल्स को वायलेट करना। तो इन चार तरीके से टैक्स इवेजन होता है। फिर आता है टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस के अंदर डॉजिंग ऑफ टैक्स विदाउट ब्रेकिंग लॉ, मतलब कि जो हमारे टैक्स के अंदर, जो हमारे रूल्स के अंदर जो लूप होल्स होते हैं, उन लूप होल्स को यूज करके वो टैक्स को मिनिमाइज करते हैं। तो ये भी जो तरीका होता है ये गलत तरीका होता है। फिर आता है टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग के अंदर क्या होता है कि मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट लेते हैं हम बाय मेकिंग यूज ऑफ ऑल बेनिफिशियल प्रोविजंस ऑफ इन टैक्स लॉज, के जितने भी बेनिफिशियल प्रोविजन है जो हमें टैक्स के लॉज ने खुद प्रोवाइड किए हैं, उन बेनिफिशियल प्रोविजंस को यूज करके हम अपना जो टैक्स है उसको मिनिमाइज करते हैं। तो जो हमारे ये जो टैक्स प्लानिंग होता है, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि जो हमारा रिडक्शन है, जो हमारी टैक्स लायबिलिटी है उसकी रिडक्शन हो जाए, मतलब कि जो टैक्स लायबिलिटी है वो कम से कम हो जाए। फिर जो लिटिगेशन होता है वो मिनिमाइज हो जाए, और जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रोडक्टिव हो जाए हमारी इकोनॉमी के अंदर, और जो हमारी इकोनॉमी है उसकी हेल्दी ग्रोथ हो, क्योंकि सब टैक्स पे करेंगे अगर टैक्स प्लानिंग होगी तो। और अगर सब टैक्स पे करेंगे तो जो हमारी इकोनॉमी है उसके अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं कि रिडक्शन ऑफ टैक्स लायबिलिटी हो, मिनिमाइजेशन ऑफ लिटिगेशन हो, प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट हो, हेल्दी ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मिले। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब जो टैक्स प्लानिंग होती है इसके अंदर टैक्स मैनेजमेंट भी आता है। जैसे कि अगर हम एडवांस टैक्स पे करते हैं तो टैक्स मैनेजमेंट का पार्ट होता है, ये इससे शॉर्टर टर्म होता है। टैक्स प्लानिंग बहुत वाइडर कंसेप्ट होता है। अब जो टैक्स प्लानिंग होती है वो दो टाइप से होती है, एक शॉर्ट टर्म होती है, एक लॉन्ग टर्म होती है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है जो हम ईयर टू ईयर करते हैं वो शॉर्ट टर्म होती है, और जो लॉन्गर टाइम के लिए करते हैं वो लॉन्ग टर्म टैक्स प्लानिंग होती है। अब जो हमारी टैक्स प्लानिंग है इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, ये किसके ऊपर फैक्टर्स क्या हैं टैक्स प्लानिंग के, तो तीन हमारे फैक्टर्स हैं। एक होता है रेजिडेंटल स्टेटस, इसके सिवाय और भी हो सकते हैं, मैंने तीन ही फैक्टर्स लिए हैं। जैसे कि हम रेजिडेंटल स्टेटस ले सकते हैं, हेड्स ऑफ इनकम या लेटेस्ट लीगल पोजीशन। तो रेजिडेंटल स्टेटस के अंदर जो नॉन रेजिडेंट होता है उसको सबसे कम टैक्स पे करना होता है। तो
तो किसी भी तरीके से जो टैक्स पेयर होगा वो चाहेगा कि मैं नॉन रेजिडेंट हूँ। तो इसके लिए अगर वो प्रीवियस अगर वो इंडियन सिटीज़न है और वो इंडिया को विजिट करता है लेस देन 180 डेज तो वो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। तो इसके लिए एक तरीका होता है कि अगर वो इंडिया में विजिट कर रहा है तो अगर वो 2 अक्टूबर को प्रीवियस ईयर में आए और 28 सितंबर को चला जाए तो उसके लेस देन 180 डेज होंगे और वो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। अगर वो 29 सितंबर को जाएगा तो वो 181 से ज़्यादा डेज हो जाएंगे और वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें प्लानिंग करनी होती है कि जो हमारे डेज हैं प्रीवियस ईयर के अंदर वो 181 डेज से कम हो। ऐसी जो हेड्स ऑफ इनकम है अगर वो लॉन्ग टर्म गेन होता है उसको अगर वो शो करता है कि मेरे इन्वेस्टमेंट है और उसको लॉन्ग टर्म गेन होता है वो 3 साल से ऊपर का तो उसको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन अगर वो शॉर्ट टर्म करेगा तो उसको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और ऐसी जो लेटेस्ट लीगल पोजीशन अगर उसको थोरो अपडेट होगा जो अमेंडमेंट्स आ रहे हैं सर्कुलर्स आ रहे हैं कोर्ट्स के डिसीजन आ रहे हैं तो वो अपनी टैक्स प्लानिंग अच्छे से कर पाएगा। तो ये हमारा टैक्स प्लानिंग होगा।